कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए राणा एजुकेशन को और करे अपने NCHMCT JEE UGC NET का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राणा एजुकेशन। गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल वाले पेपर की। कल यानी 20 तारीख 2012-2023 को आपका पेपर होने वाला है कम्युनिकेशन स्किल्स BHA 109 कम्युनिकेशन स्किल्स। 3 आवर्स का पेपर होगा 9:30 से 12:30। ऑल राइट, अब हम देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है जी। ओके, तो कोड है इसका BHA 109 कम्युनिकेशन स्किल्स 1 लिखा है ना। एंड इसके सिलेबस पे आते हैं। दिस इज द फर्स्ट यूनिट। तो द वेरी फर्स्ट यूनिट इज फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स What is the need of communication? What is the purpose of communication? Nature, different types of models, यहाँ से question आएगा। Barriers to communication, जब हम communicate करते हैं तो बीच में क्या problems आती हैं, उनको barriers बोलते हैं। वो क्या हैं, है ना? Overcoming the barriers। अब मैं आपको sample दिखाता हूँ कि communication, ये देखो। See question number 2, discuss the barriers of communication। का ये question definitely आएगा, है ना? Discuss the barriers of listening। ओके, ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आ सकता है। तो मेनली क्या है कि कम्युनिकेशन की जरूरत क्या है, है ना, उसकी नीड क्या है, पर्पस क्या है, और उसके मॉडल्स क्या हैं, है ना, और बैरियर्स क्या है डिफरेंट, ये हमारा क्वेश्चन बनेंगे फर्स्ट यूनिट से। यूनिट सेकंड है लिसनिंग ऑन द जॉब। ओके, सो मेन पर्पस है कि लिसनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन में, है ना। डेफिनेशन क्या है लिसनिंग की, लेवल्स एंड टाइप्स ऑफ लिसनिंग क्या होती है, लिसनिंग बैरियर्स क्या होते हैं, गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव लिसनिंग एंड लिसनिंग कंप्यूटराइजेशन एंड नोट टेकिंग। ओके, अब लिसनिंग से कैसे क्वेश्चन यहां पे आ सकता है, लेट मी शो यू। देखो बैरियर्स ऑफ लिसनिंग, है ना, लिसनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है वो यहां से मैं आपको एक पेपर और दिखाता हूं। क्योंकि पहले गाइज ये जो अभी आपका जो इंग्लिश वाला है ना, अभी जिसका नाम है इसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना। पहले जब इग्नो वाला हमारा इग्नो से कोलैबोरेशन था, तब ये इसका नाम था कम्युनिकेशन, आप देख सकते हैं। और उस टाइम ये होता था सेकंड सेम में, ये सब्जेक्ट हमारा सेकंड सेम में होता था। ओके, तो मैं आपको एक और इसका सैंपल दिखाता हूँ, है ना। देखो डिफरेंशिएट बिटवीन नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग। ओके, नोट टेकिंग क्या होता है और नोट मेकिंग क्या होता है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। देन यहां से और क्या क्वेश्चन था, हाँ फिलहाल यही क्वेश्चन है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट से। ओके, सेकंड का मेन क्या है, लिसनिंग, और लिसनिंग पे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, नोट टेकिंग नोट मेकिंग क्वेश्चन आ सकता है। ओके, और लिसनिंग बैरियर्स क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। थर्ड आपका इफेक्टिव स्पीकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीकिंग, है ना, रेस्टोरेंट एंड होटल इंग्लिश, होटल में कौन सी इंग्लिश, इंग्लिश को कैसे बोलते हैं, रेस्टोरेंट में जो वोकैबुलरी होती है, जो टॉक लाइंस होती हैं वो क्या रहती हैं, पोलाइटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव इंक्वायरीज एंड रिस्पॉन्सेज कितने इंपॉर्टेंट है, एड्रेसिंग अ ग्रुप, हाउ वी एड्रेस अ ग्रुप, इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ गुड स्पीकर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ऑडियंस एनालिसिस, डिफाइनिंग द पर्पज ऑफ स्पीच, ऑर्गेनाइजिंग द आइडियाज एंड डिलीवरिंग द स्पीच। सो मेनली क्या है, स्पीकर एंड स्पीच। ओके, क्वालिटीज क्या रहेंगे, मतलब इफेक्टिव स्पीकिंग के लिए क्या क्वालिटीज होने वाली है। यहाँ से क्वेश्चन कैसा आया था मैं आपको दिखाता हूँ, कैसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछा गया है इस वाले में। देखो जस्ट गिव मी अ मिनट, है देखो, व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ गुड स्पीकर, सुजेस्ट वेज टू डेवलप दोज क्वालिटीज बाई अ फ्रेशर इन द हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट। ओके, तो स्पीकिंग पे ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ऑल राइट, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट, हमारी थर्ड यूनिट तो हो गई, हमारी फोर्थ यूनिट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है कम्युनिकेशन 2 टाइप की होती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो वर्बल तो हम सिंपली वर्ड्स का यूज करते हैं, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे अगर मैं आपको ऐसे हेलो करूं, है ना, मैं कुछ ना बोलूं तब भी आप समझोगे कि मैंने कुछ आपको बोला है, या आपको ऐसे करूं, है ना, तो मैंने कुछ नहीं बोला लेकिन आपको पता है कि मैं आपको बुला रहा हूं, तो ये क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
अब इसके टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो काइनेसिक्स, बॉडी मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, प्रॉक्सिमिटी जिसे हम प्रॉक्सिमिक्स बोलते हैं, है ना, कम्युनिकेशन, यूज ऑफ स्पेस, पैरा लैंग्वेज, वोकल बिहेवियर, ये जितने भी टर्म्स हैं ये आपको सारी पता होनी चाहिए। ओके, एंड कम्युनिकेटिव यूज ऑफ आर्टिफैक्ट्स, फर्नीचर, प्लांट्स, कलर्स, आर्किटेक्ट्स, है ना, तो ये हमारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं, फर्नीचर है, कैसे डिजाइन करें, है ना, साइनेज बोर्ड हम कैसे लगाते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स सिंपल सा मतलब है आपका पोस्चर, आपका जेस्चर, आपके बैठने का स्टाइल। ओके, ये सब क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ट्रेवल्स ट्रेवल्स फास्ट देन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, जैसे अगर किसी ने टाई पहनी है, अच्छा सूट पहना है, तो आप जज कर लेते हो कि ये कोई इंटेलिजेंट होगा, कोई मैनेजर होगा, कहीं भी किसी बड़ी पोस्ट पे होगा। उसने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं लिखा, लेकिन हम जज कर लेते हैं। क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन कैसे आते हैं, जस्ट गिव मी मिनट। ये देखो, डिफाइन द फॉलोइंग, काइनेसिक्स है ना, देन राइट बॉडी लैंग्वेज इज अ की टू सक्सेस, अगेन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, मतलब हमने जितनी भी टर्म्स यहाँ देखी सिलेबस में, ये प्रोक्सिमिटी, पैरा लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, जेस्ट, आई कॉन्टैक्ट, ये सब किस में आते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। ओके, उसके बाद है स्पीच इंप्रूवमेंट। तो स्पीच क्लैरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोनंसिएशन, स्ट्रेस, एक्सेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच इन होटल्स, है ना, तो होटल में स्पीच की कितनी इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पे आपको देखना है। कॉमन फोनेटिक डिफिकल्टीज, कनेक्टिव ड्रिल्स एक्सरसाइजेस, एंड इंट्रोडक्शन टू फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉरेन साउंड्स। ओके, सो टेलीफोन, यूजिंग द टेलीफोन, टेलीफोन एटिकेट्स, है ना, नेचर ऑफ टेलीफोन एक्टिविटी इन द होटल इंडस्ट्री, द नीड फॉर द डेवलपिंग टेलीफोन स्किल्स। तो टेलीफोन एटिकेट यहाँ का क्रक्स है, और स्पीच इंप्रूवमेंट, ये फिफ्थ यूनिट का क्रक्स क्या है, स्पीच इंप्रूवमेंट एंड टेलीफोन एटिकेट्स। ओके, और होटल में क्या एक्सेंट हम यूज करते हैं, है ना, ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछे गए होंगे। देखो, व्हाट इज द नीड ऑफ टेलीफोन स्किल्स विद इन अ होटल। ओके, ये यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। देन देखो, प्रोक्सिमिक्स, अभी हमने जो फोर्थ यूनिट थी कि फिफ्थ थी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वहां से देखो डिफाइन प्रोक्सिमिक्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो गाइज ऐसे क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली पूछे जाएंगे, है ना। ये हमारा सिलेबस था, हमने पांचों की पांचों यूनिट देख ली। कम्युनिकेशन बहुत सिंपल है, ओके, और बहुत इजीली आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं मैंने आपको दिखा दिया, सैम्पल पेपर भी आपको दिखा दिए, ये सारे टॉपिक्स आपने मेनली पढ़ के जाने हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अब हम मिलेंगे कल, है ना, कल मीन्स 20 तारीख को, लास्ट वीडियो के साथ, जो हमारा होगा 21 के पेपर के लिए, और 21 को आई गेस हमारा पेपर है एनवायरमेंटल स्टडीज। ओके, तो कल कल उसके लिए वीडियो आएगा, और 21 तारीख को या 22 तारीख को भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा। जैसे आपने मेरे बाकी वीडियोस को देखा है, एक बार उस वीडियो को भी देख लेना, है ना। ये तो 21 तारीख को आएगा या 22 तारीख को आएगा, है ना, सो आपको उसमें बहुत कुछ बताया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम। मिलते हैं कल परसों वाले पेपर के वीडियो एनालिसिस के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।